terminal. तो मित्रों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ आप सभी बड़े चंगे मंगे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं टोप। टोप मतलब होता है कैनन, और फोटो खींचने वाला कैनन कैमरा नहीं, आज हम बनाएंगे असली का एक टोप, बहुत ही छोटे मॉडल के रूप में, वो भी घर पर बहुत ही आसान तरीके से। पहले इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं, फिर हम इसे आपको बना कर भी दिखाएंगे। तो आइए, हमने जो टोप बनाया है पहले आपको उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक लाइटर का यूज किया है। लाइटर के रूप में आप चाहे तो हीटर का जो कॉइल होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, या चाहे तो जो मच्छर मारने वाला जो आता है बैडमिंटन उसको भी यूज कर सकते हैं। दूसरा नंबर हमने यूज किया यहाँ पर एक पेंसिल को, पेंसिल का जो बीच वाला हिस्सा होता है इससे लिखते हैं, उसको हमने एक बैटरी का एक पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है, और एक जो वायर है उसको यहाँ ले गए हैं। जब हम यहाँ पर पावर सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर स्पार्क बनता है, तो इसमें फायरिंग होने के लिए हम लोग तीन चीज का यूज कर रहे हैं, एक गन पाउडर, दूसरा पेपर, और तीसरा एक छल्ला का। आप चाहे तो छल्ले के रूप में अल्मोनियम फॉइल को भी गोल गोल कर डाल सकते हैं, या साइकिल का जो छल्ला होता है उसको भी इसमें डाल सकते हैं, बॉल बेयरिंग। तो हम लोग पहले गन पाउडर को यहाँ रखे हैं, जब यहाँ पर स्पार्क बनता है तो गन पाउडर में लगता है आग। तो यहाँ पर हम लोग इसके गन पाउडर के ऊपर रखे हैं पेपर के ऊपर रखे हैं उस छल्ले को, तो इससे क्या होता है यहाँ पर थोड़ा प्रेशर बनता है, क्योंकि ये आसानी से तो गिर नहीं रहे, तो जब गन पाउडर जलता है तो यहाँ पर बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट के नतीजे में क्या होता है ये धीरे धीरे बहुत स्पीड तरीके से यहाँ से निकल के बाहर की तरफ चलना जाता है, और एक तरह का हमको दिखाता है कि किस तरह से पहले तोप काम करता था। तो चलिए हम इसे बनाते हैं और प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि काम करता भी है कि नहीं करता है। तो गाइज आपको इस तरह का वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो पे हमारा लाइक टारगेट है 1000, अगर आपने हिट कर दिया 1000 लाइक टारगेट तो आपके कमेंट के हिसाब से हम अलग अलग वीडियो उसमें से चूज करके बनाएंगे। सो गाइज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ढेर सारा प्यार बनाए रहें। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।